नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त मैं आप सभी के सामने सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। पिछले कुछ वक्त से चर्चा थी कि अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने का बहुत ही खासा माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल अब पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। आपको बता दें कि अरुण गोविल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन तब अरुण गोविल ने ऑफर ठुकरा दिया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अरुण गोविल चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसा होता है तो अरविंद त्रिवेदी और दीपिका छिकलिया के बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ये तीसरे कलाकार होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।